नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे योगासनों के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश आमले, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इम्यूनिटी के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। अगर हमें हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है तो हमें हमारा सिर्फ डाइट ही इम्पोर्टेंट नहीं, तो उसके साथ साथ योगा और एक्सरसाइजेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब एक प्रोसेस होता है। हमने कुछ भी खाया और तुरंत हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसे नहीं होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और उस प्रोसेस से जाने के बाद ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसमें का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि है योगासन। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कौन से योगासन है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद हो सकती है, और ये योगासन हमें रेगुलरली हमारे लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो जनरली ऐसे होता है, हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रेस होता है या फिर जो भी टेंशन्स होते हैं, ये ज़्यादा करके हमारे जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे गर्दन का एरिया, हमारा शोल्डर जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट, हमारे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इनमें स्टोर होता है। सो ये एरियाज में जो टॉक्सिन्स है इनको हमें इवेपोरेट करना है, इनको हमें लिबरेट करना है, ताकि ये एरिया से ये टॉक्सिन्स निकल जाए और फिर हमारे शरीर टेंशन फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए, स्टिफनेस उसका कम हो जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिर ये जॉइंट्स को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ माइनर मूवमेंट्स देने होते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर की मूवमेंट हम देखते हैं। शोल्डर के मूवमेंट के लिए आपको आगे की तरफ ऐसे 5 बार घुमाना है, इसको कहते हैं क्लॉक वाइज 5 टाइम्स रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और 5 बार ये होने के बाद हमें पीछे की तरफ इसको घुमाना है। फिर दोनों हाथों का आप आपके फैला के रखिए, और उसके साथ साथ आप आपके गर्दन को भी घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। उसी के साथ साथ हमारे लेग्स को हमें अच्छे से मूवमेंट देनी है। इसके लिए लेग्स का एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, इसी के साथ साथ उसका रोटेशन। सो 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए आज का सबसे पहला मैं आसन आपको दिखाता हूँ कि जिसमें हमारी बैक मसल्स को, हमारे शोल्डर या पीठ के जो मसल्स हैं, इनको हमें ओपन करना है। तो इसके लिए आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होने के बाद हाफ सिटिंग पोजीशन में आना है। इसको ही हम उत्कटासन कहते हैं। इस पोजीशन में आकर आपको खुद का बैलेंस कर लेना है, और इस बैलेंस के साथ आपकी स्पाइन जो है वो आपको स्ट्रेट रखनी है, और फिर थोड़ा सा बैलेंस करते करते आपको दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। कम ऑन, बी इन दिस पोजीशन। जितना समय हम अच्छी तरह से इस पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रहते हैं, उतनी हमारी स्पाइन मसल्स रिलैक्स होने के लिए हमें बहुत मदद करती है। आप अनुभव करोगे आहिस्ते आहिस्ते आपकी स्पाइन की जो मसल्स है वो ओपन अप हो रही है। 5 4 3 2 1। चलिए नीचे आ जाइए, रिलैक्स। फिर से एक बार उत्कटासन और दोनों हाथ ऊपर। अच्छे से अपने स्पाइन को ओपन होने दीजिए। काफी प्रेशर होता है स्पाइन के ऊपर। अगर आप आईटी में होंगे तो अभी लॉकडाउन है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली चेयर पे बैठना पड़ता होगा। लॉन्ग आवर्स सिटिंग के बाद बैक जो होती है वो काफी स्टिफ हो जाती है, और इतना स्टिफ होने की वजह से फिर हमें लो बैक एक के इशू भी हो सकते हैं। एक और सेट करते हैं। पहले इस पोजीशन में बैलेंस कर लीजिए। एक बार आपका बैलेंस अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद आप दोनों हाथों को ऊपर ले सकते हैं। इसमें काफी अच्छी तरह से आपके नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपके थाइस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और साथ ही साथ में आपके बैक के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो जितना हो सके आप उतना इस पोजीशन में रुक सकते हैं, दोनों हाथों को फैला कर भी आप रुक सकते हैं। और
फिर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर रखिए। आपके लेग को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, इसलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेच देना है आपको अच्छे से। स्ट्रेच दीजिए इसको अच्छे से, दोनों एक एक लेग्स को आप हाथ में पकड़ के उसको अच्छे से स्ट्रेच दे सकते हैं। इस प्रकार आप खड़े रह सकते हैं, अच्छा बैलेंस बनाइए। अच्छा बैलेंस बनाइए, एक पैर को अच्छे से पकड़कर दूसरे पैर से उसको खींचना है अच्छे से। अच्छे से बैलेंस बनाना है। चलिए अभी नेक्स्ट आसन है संतुलन आसन। संतुलन आसन के लिए आपको आगे आना है, दोनों हाथों की फर्म ग्रिप आपको बनानी है, और दोनों हाथों की फर्म ग्रिप बनाने के साथ आपको दोनों पैरों को भी साथ में ज्वाइन कर लेना है, आगे की तरफ झुकना है, और इसी पोजीशन में हमें एटलीस्ट 60 सेकेंड्स तक रुकना है। कम ऑन, 60 सेकेंड्स तक रुकना है। आप भी मैट पर आ जाइए और आपका संतुलन आसन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी उम्र का व्यक्ति इस आसन को आराम से कर सकता है, कुछ भी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इसको ज्यादा डिमांड नहीं करती है। ये आसन इजीली बस आपको आपके दोनों हाथों पे ऊपर और पैरों के ऊपर सारे शरीर का भार लेना होता है। एब्डोमिनल मसल्स का काफी अच्छा पुल हो जाता है इसमें, और जिनको पेट कम करने की इच्छा होती है उनके लिए भी ये आसन बहुत फायदेमंद होता है। चलिए कम ऑन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो उसी समय आप ऐसे बैक स्ट्रेच कर लेते हैं, जितना हो सके आप उतना बैक को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए, एक बार आपकी बैक रिलैक्स हो गई तो आपके बॉडी का 50% टेंशन कम हो जाता है, 50% जो स्टिफनेस होता है वो कम हो जाता है। एक बार फिर से हम करते हैं संतुलन आसन, इसके दो सेट हम करेंगे, एक हमने किया है एक और हम कर रहे हैं अभी। चलिए आ जाइए आगे, बस नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है हमें, इजीली आप कर सकते हो। कुछ भी बॉडी को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस फील कीजिए आपके एब्डोमेन के ऊपर कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है। एब्डोमेन के ऊपर जब प्रेशर आता है तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स है, वो सब बाहर आना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होते लगते हैं वही इम्यूनिटी बढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब क्या, बॉडी को प्यूरिफाई करना है, बॉडी को इस प्रकार तक प्यूरिफाई करना है कि उसमें बस न्यूट्रिशन कंपोनेंट हो, टॉक्सिन्स के लिए जगह ही नहीं बचे। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0। हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, इसमें आपके रिस्ट के ऊपर अच्छा सा प्रेशर बनता है, तो बस आपके रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके रिस्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी हम अश्व संचलन आसन करेंगे, इसके लिए भी फिर से आपको प्लैंक पोजीशन में ही आना है, और प्लैंक पोजीशन में आकर आपके एक पैर को आपके आगे की तरफ लेना है। तभी हमने हमारे दूसरे पैर के ऊपर उसको टच नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है, और फिर हमें ऐसा बैलेंस करना है।
फिर नीचे आना है, फिर दूसरे पैर को आगे लेना है और फिर आगे लेकर इसके ऊपर बैलेंस होता है तब तक आपको दोनों हाथों को रखना है। एक बार आपका बैलेंस हो गया तो दोनों को साइड वाइज लेना है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। राइट लेग को हमने आगे ले लिया, दोनों हाथों से उसके ऊपर बैलेंस कर लिया और बैलेंस करने के बाद अच्छे से उसको दोनों हाथों को साइड में ले लिया। जब ये हो जाएगा तो नीचे आ जाना है और दूसरे लेग से आपको करना है। बैलेंस कर लीजिए और फिर ठीक है रिलैक्स कर लीजिए। 2 मिनट आपके शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। अभी जो नेक्स्ट आसन हम करेंगे उसका नाम है वशिष्ठ आसन। तो चलिए वशिष्ठ आसन, आपको आपके जो साइड हिपअप्स होते हैं उसके ऊपर काफी टॉक्सिन जमा हुआ रहता है, बैक में काफी टॉक्सिन्स रहता है, जनरली डबल पेट आ जाता है लोगों को, तो ये पेट को निकालने के लिए ये आसन किया जाता है। इसमें भी पहले आपको मैं सिखा देता हूँ, आपके रिस्ट मजबूत होने चाहिए, तो दोनों रिस्ट को आपने अच्छे से प्रेस कर लिया, इसको फॉर्म कर लीजिए और इसको फॉर्म करने के बाद दोनों पैरों को फॉर्म कर लीजिए। तो पहले हम राइट साइड प्लैंक करेंगे, राइट वशिष्ठ आसन करेंगे। इसके लिए आपको घूम जाना है, पहले इस पोजिशन को हमें फॉर्म कर लेना है। एक बार आपका पैर फॉर्म हो जाए तो ये पैर को आपको इसके ऊपर रख देना है, फिर हाथों को फैला देना है। फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए अपोजिट साइड से हम करेंगे। पहले बैलेंस बना लीजिए दोनों हाथों से और दूसरे हाथ को फैला दीजिए। उसी प्रकार से हम इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस हाथ को ऐसे रख दिया और फिर साइड पोजीशन में आ गए। तो जिनको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है वो एल्बो जॉइंट से भी इसको कर सकते हैं। फिर आपको अलग हाथ से करना है। बस इसी पोजीशन में आपको रहना है जिससे कि आपके शोल्डर के ऊपर, आपके एल्बो के ऊपर, आपके रिस्ट के ऊपर जो वेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए आ जाइए रिलैक्स। तो आज हमने देखा वशिष्ठ आसन, संतुलन आसन, वज्रासन और कुछ सूक्ष्म व्यायाम करके हमारे बॉडी के जो टेंशन एरियाज जो होते हैं उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम भी बहुत रिलैक्सेशन करने के लिए बहुत मदद करता है। चलिए एक सेट प्राणायाम का कर लेते हैं। तो आज हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको बस सांस अंदर लेनी होती है और एक रिदम से छोड़नी होती है। रिलैक्स हो जाइए।
एक बार रिलैक्स कर लीजिए, फिर से एक और सेट करेंगे हम। तो ऐसे ही आपको प्राणायाम और योगासन की प्रैक्टिस करते रहना है, और हमेशा करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती भी रहेगी और बनती भी रहेगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ सजेशन देना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट कराना हो या कुछ बातें बतानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए।